अगर आपके घर में भी तुलसी का प्लांट है तो आप भी चाहते हो कि आपके तुलसी का प्लांट हरा भरा बना रहे। हर घर में तुलसी का प्लांट पाया जाता है क्योंकि उसके बहुत सारी फ़ायदे होते हैं तुलसी के प्लांट को आपके घर पे लगाने के लिए, जैसे कि उसका काढ़ा वगैरह भी हम जुकाम वगैरह सर्दी होने पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके घर में भी तुलसी का प्लांट है और आप भी चाहते हैं कि आपका तुलसी का प्लांट हरा भरा बना रहे, तो क्या चीज़ें जो आपको करनी है जिससे आपका तुलसी का प्लांट हरा भरा बना रहेगा। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल खान सिस्टर 786। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान सिस्टर 786 में। तो आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो करनी है वो बताऊँगी, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो चलते हैं कौन कौन सी टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है पानी का ध्यान रखें। जी हाँ, तुलसी के पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना उसे ख़राब करता है। रोज़ाना तुलसी में अगर आप पानी डालते हो तो आपको थोड़ी मात्रा में पानी डालना, इतना पानी डालना है कि उसमें ऑलरेडी पानी है और आप फिर और उसको पानी से गीली कर रहे हो, उसकी मिट्टी ऑलरेडी ही गीली है और आप और ज़्यादा पानी डाल रहे हो, तो ये तुलसी के पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वो उसकी जड़ों को नुकसान दे सकता है, उसकी जड़ों को गला सकता है, उसमें फंगल लग सकता है। तो इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तुलसी के पौधे में आपको पानी तभी देना है जब तुलसी के पौधे में पानी नहीं है। जी हाँ, वो सूख चुका है या मिट्टी में नमी नहीं है तब आपको पानी डालना है। ऑलरेडी मिट्टी सूखी नहीं है, गीली है और उसमें आप बहुत सारा पानी डालते रहोगे तो ये तुलसी के पौधे को नुकसान देगा, उसके पौधे को वो नुकसान देगा, जड़ों को गला देगा, जड़ों में फंगल लग जाएगा और जिससे आपका तुलसी का पौधा सूख जाएगा, जाएगा। इसके अलावा आपको मिट्टी में रेत मिलाए। जी हाँ, आपको गारे का इस्तेमाल करना है पर पूरा ही गारा आपको नहीं लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा सूखे ना तो उसकी मिट्टी में थोड़ी सी रेत आपको मिलानी है, इससे आपके तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा। अगर आप पूरे गारा या मिट्टी ही ले लेते हो और वो रेत नहीं मिलाते हो तो ये आपकी तुलसी के पौधे को नुकसान दे सकता है, इससे आपका तुलसी का पौधा सूखने लग जाएगा। रेत मिलाने से आप के तुलसी के पौधे को फ़ायदा होगा और ये हरा भरा बना रहेगा। तो जब भी आप तुलसी का पौधा घर में लगाने की सोच रहे हो या आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा मौजूद है और आप चाहते हो कि तुलसी का पौधा सूखे ना, तो आपकी को उसकी जो मिट्टी है उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। उसकी मिट्टी में आपको मिट्टी और उसमें थोड़ी रेत मिलानी पड़ेगी, तभी आपका तुलसी के पौधे के लिए एक बेस्ट मिट्टी का निर्माण होगा। इसके अलावा आप गीली गोबर खाद ना डालें। जी हाँ, हम क्या करते हैं कि अगर मिट्टी भी अच्छी चुन लेते हैं, उसमें लगा देते हैं, पानी का भी ध्यान रख लेते हैं, पर हम क्या करते हैं कितनी बार ये गलती कर लेते हैं कि जो गोबर खाद होती है वो हम गीली ही इस्तेमाल कर लेते। ज़्यादातर लोग तुलसी के पौधों में गीली गोबर खाद डालते हैं, लेकिन तुलसी में गीली जो गोबर खाद नहीं डालनी चाहिए आपको, इससे आपका तुलसी का पौधा ख़राब होता है और सूख जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो गोबर होता है आप उसको सुखा लें, कोई कंडे वगैरह अगर आसपास कहीं मिलते हैं तो उसको आप कंडे को ले ताकि वो सूखे रहे, उसको आप पीस ले और वो आपको आपके तुलसी के पौधे में डालना है। आपको कभी भी कोई भी खाद गीली, मतलब जो गोबर खाद होती है वो गीली नहीं डालनी है। अगर आप गीली गोबर खाद का इस्तेमाल करोगे तो आपका तुलसी के पौधे में फंगल लग सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं जो उनकी जड़ों को ख़राब कर देंगे और अगर जड़ें ही ख़राब हो जाएगी तो तुलसी का पौधा चलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी गीली गोबर खाद आपको नहीं डालनी है। आपको उस गोबर खाद को पहले सुखा लेना है और सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाकर उस पाउडर का इस्तेमाल आपको आपके तुलसी के प्लांट में करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके तुलसी का प्लांट हरा भरा बना रहेगा। तो मैंने आज वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स दिए हैं किन चीज़ों को आपको नहीं करनी है, कौन सी सावधानी जो आपको बरतनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी है। अगर ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो यकीनन आपका तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा, तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा
और बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली।